हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों, हमारे चल रहे थे मेले मंदिर महोत्सव, तो बिल्कुल हमने जैसलमेर जिले के बारे में विस्तार से देखा था दोस्तों। और आज हम देखने वाले दोस्तों अपना जिला है पाली जिला। तो पाली जिले के दोस्तों, मैं बिल्कुल पाली जिले से ही हूँ दोस्तों, गिरी सुमेल से ब्यावर के नज़दीक से ही हूँ। लेकिन दोस्तों अब क्या करें, मैं मेरा जिला नया बन जाएगा ब्यावर जिला, ठीक है। पाली से हूँ, ब्यावर के नज़दीक से ही हूँ बिल्कुल। आज हम जो देखने वाले हैं पाली जिला, तो पाली जिले के बारे में विस्तार से देखने वाले हैं दोस्तों कि पाली जिले में कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से मेले भरते हैं, पाली जिले का जैसे प्रमुख कौन कौन से फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी देखने वाले हैं। तो बिल्कुल एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों पाली जिला, तो यहां पर आप हेडिंग लगाइएगा पाली जिला। देखिएगा मैंने क्या लगाया, पाली जिला। तो ये अपना हेडिंग हो गया पाली जिला। अब पाली जिले के प्रमुख फैक्ट जान लेते हैं। पाली जिले के प्रमुख हम देखने वाले हैं मेले मंदिर महोत्सव देखने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिएगा मेले मंदिर महोत्सव, तो आपको ध्यान रखना, मैं ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक। तो आपको ध्यान रखना पाली जिले की क्या ट्रिक है। पाली जिले की ट्रिक है कि पाली के पीर दुले शाह का विवाह, ठीक है, पाली के पीर दुले शाह का विवाह चोटीला के गौरी के साथ हुआ। पाली के पीर दुले शाह का विवाह चोटीला के गौरी के साथ हुआ। तो परशुराम ने वर को सोना बाली नींबू आदि दिए। तो ये प्रमुख आपको कुछ फैक्ट है जो ध्यान रखना है। बिल्कुल मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने बोला कि पाली के पीर दुले शाह का विवाह को आप इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। यहां पर देखो पाली के पीर दुले शाह का विवाह चोटीला के गौरी के साथ हुआ तो परशुराम ने वर को सोना बाली नींबू आदि दिए। ये ट्रिक हो गई दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रमुख, ठीक है। पाली के पीर दुले शाह का विवाह, तो पीर दुले शाह का यहाँ पर हो जाना पीर दुले शाह का उर्स हो जाएगा। चोटीला पीर का प्रमुख उर्स हो जाएगा। इसके अलावा गोरी साहब को ध्यान रखना, गोरिया घनघोर का मेला हो जाएगा पाली जिले के अंदर लगता है दोस्तों। इसके अलावा परशुराम महादेव का मेला पाली में लगता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वर्कणानाथ जी का मेला, या वर्कणानाथ जी का मेला जो मेला है वो भी पाली में ही लगता है दोस्तों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना सोनाड़ खेतला जी का मेला भी कहां लगता है दोस्तों बाली से। आपको ध्यान रखना बाली पशु मेला कहां लगता है दोस्तों बाली पशु मेला भी लगता है अपने पाली जिले के अंदर। इसके अलावा नींबू से आपको ध्यान रखना नींबू के नाथ का मेला ये भी कहां लगता है, तो नींबू के नाथ का मेला दोस्तों ये भी पाली में लगता है। तो ये कुछ फैक्ट जो आपको अच्छे से ध्यान रखें, आप ट्रिक से याद करो तो ठीक है, बाकी ट्रिक से नहीं करो, डायरेक्ट रटना चाहो तो भी आप रट सकते हैं। पाली के पीर दुले शाह का विवाह चोटीला के गौरी के साथ हुआ तो परशुराम ने वर को सोना बाली नींबू आदि दिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये प्रमुख हो गए, पीर दुले शाह का उर्स, चोटीला पीर का उर्स, गौरिया गणगौर का मेला, परशुराम महादेव का मेला, वरकणा जी का मेला, सोनाड़ खेतला जी का मेला, बाली पशु मेला, नींबू के नाथ का मेला, ये सब पाली जिले में लगते हैं। अब आपको ध्यान रखना है पीर दुले शाह का उर्स और चोटीला पीर का उर्स दोनों दोस्तों कहां लगते हैं, तो ये केरला पाली के अंदर लगते हैं। एक केरला गांव है दोस्तों पाली के अंदर, तो केरला पाली के अंदर दोस्तों ये प्रमुख मेला लगता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पीर दुले शाह का उर्स और चोटीला पीर का उर्स दोनों उर्स कहां लगते हैं, पाली जिले के अंदर लगते हैं। गोरिया से आपको गोनिया गणगौर का मेला, ये भी कहां लगता है, तो पाली जिले में लगता है। परशुराम महादेव का मेला, ये परशुराम महादेव का जो मेला ये देसूरी पाली के अंदर लगता है दोस्तों, देसूरी पाली के अंदर लगता है परशुराम महादेव का मेला। इसके अलावा आप आगे ध्यान रखेंगे वरकणानाथ जी का मेला, तो वरकणानाथ जी का मेला भी लगता है पाली में। सोनाड़ खेतला जी का मेला दोस्तों सारंगावास पाली के अंदर लगता है, सारंगावास पाली के अंदर लगता है। ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाली पशु मेला जो है ये कहां लगता है, तो ये बाली में लगता है पाली जिले के अंदर। इसके अलावा नींबू के नाथ का मेला, ये लगता है दोस्तों फालना के अंदर। कहां लगता है, फालना के अंदर। आपको ध्यान रखना दोस्तों, फालना
फालना देखिएगा, फालना के छाते प्रसिद्ध है। फालना के क्या प्रसिद्ध है? तो फालना के छाते प्रसिद्ध है। और फालना में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? तो फालना में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, नींबू के नाथ का मेला लगता है। फालना में एक मंदिर है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है फालना में? फालना में एक मंदिर है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो है जो गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, गेटवे ऑफ गोडवाड़, गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? तो गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से, गोडवाड़ के नाम से दोस्तों फालना मंदिर है जो पाली के अंदर है। ये गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर है जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना दोस्तों, मोटे मोटे ये प्रमुख हो गए, जैसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसके अलावा चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठा पॉइंट, ये सातवां पॉइंट, ये आठवां पॉइंट, ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कुछ हो गए, पाली का, पाली के पीर दुलेसा का विवाह चोटिला के गोरी के साथ हुआ, तो परशुराम ने वर को सोना बाली नींबू आदि दिए। तो इस तरीके से ये प्रमुख आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा पाली में एक विशाल मंदिर है दोस्तों, रणकपुर का जैन मंदिर। देखिएगा, कई बार एग्जाम में इस मंदिर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, रणकपुर का जैन मंदिर। जो रणकपुर का जैन मंदिर है दोस्तों, कई बार पूछा गया है रणकपुर का जैन मंदिर। रणकपुर का जो जैन मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिर की यदि मैं बात करता हूं, तो जो रणकपुर का जैन मंदिर है ये किस जिले में है? तो पाली जिले में है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में, आपको ध्यान रखना दोस्तों। रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों किस जिले में है? तो पाली जिले में है। आपको ध्यान रखना है, इसे स्तंभों का वन मंदिर कहते हैं। स्तंभों का वन मंदिर किसे कहा जाता है? तो स्तंभों का वन मंदिर दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। स्तंभों का वन मंदिर, स्तंभों का वन मंदिर किसे कहा जाता है? तो रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। इसके अलावा आप लिखेंगे दोस्तों, इसे स्तंभों का अजायबगढ़ कहा जाता है। स्तंभों का क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायबगढ़ कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। स्तंभों का अजायबगढ़ किसे कहा जाता है? तो स्तंभों का अजायबगढ़, स्तंभों का क्या कहा जाता है? अजायबगढ़ कहा जाता है। किसे? रणकपुर के जैन मंदिर को। इसके अलावा आपको ध्यान रखना दोस्तों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर दोस्तों मथई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मथई नदी के किनारे स्थित है। आपको ध्यान रखना, रणकपुर का जो जैन मंदिर है ये किसने बनाया था? तो ये थरणक शाह ने बनाया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। थरणक शाह ने ये मंदिर बनाया था। किसके देखरेख में बनाया था? तो देपाक की देखरेख में बनाया था दोस्तों, देपाक की देखरेख में। देपाक की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों थरणक शाह ने, देखरेख में, ठीक है, देखरेख आपको ध्यान रखना, देखरेख में। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा जाए कि थरणक शाह ने बनाया था, देपाक की देखरेख में बनाया था, किसके समय बनाया था? तो महाराणा कुंभा के समय बनाया था दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय दोस्तों, कुंभा के समय दोस्तों ये मंदिर जो है इसका निर्माण हुआ था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर का। आपको पूछा जाए कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसमें कितने खंभे हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर में दोस्तों 1444 खंभे, ध्यान रखेंगे, 1444 खंभे रणकपुर के जैन मंदिर में। तो ये प्रमुख फैक्ट आपको ध्यान रखेंगे, रणकपुर का जैन मंदिर स्तंभों का वन मंदिर कहते हैं, स्तंभों का अजायबगढ़ कहा जाता है, मथई नदी के किनारे स्थित है, थरणक शाह ने बनाया था, कुंभा के समय बनाया था, देपा की देखरेख में बनाया था, 1444 में खंभे हैं। इसका निर्माण कब हुआ था इस मंदिर का? तो 1439 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, 1439 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये प्रमुख रणकपुर के जैन मंदिर से संबंधित कुछ फैक्ट जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको भी अच्छे से याद करेंगे। और इधर ये दोस्तों हो गए पीर दुलेसा का उर्स, चोटिला पीर का उर्स, दोनों केरला पाली के अंदर है। गोरिया गणगौर का मेला ये भी पाली के अंदर है। तो ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों अच्छे से, ठीक है। फिर हम दोस्तों पाली जिले के और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं दोस्तों, आप इनको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं यहीं पर दोस्तों करवाने वाला हूं प्रमुख और एक्स्ट्रा फैक्ट, देखिएगा। और जो है पाली जिले के अंदर और क्या क्या फैक्ट है वो बनते हैं वो मैं यहां पर करवाने वाला हूं, आप इनको अच्छे से जो है वो याद करेंगे, ठीक है। देखिएगा, जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, वैसे देखिएगा सभी मैं यहां पर नहीं करवाने वाला हूं, पाली जिले के सभी, दुर्गगढ़ किला, ये तो वीडियो अलग से आएगा दोस्तों इनके बारे में, ठीक है। जो कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मेन मेन पॉइंट है वो देखेंगे। तो पाली जिले के और क्या क्या फैक्ट है आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर पाली, देखिएगा। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है पाली, तो यहां पर पाली से संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो लिखते हैं यहां पर, देखिएगा। पहला पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों पाली से संबंधित, देखिएगा पाली का जो प्राचीन नाम क्या है, पाली का प्राचीन नाम, तो पाली का प्राचीन नाम है दोस्तों पाली का, देखिएगा प्राचीन नाम क्या है पाली का, पाली का प्राचीन नाम है पाली का, पाली का प्राचीन नाम है पाली का, आप ध्यान रखेंगे पाली का प्राचीन नाम क्या हो गया, पाली का हो गया। इसके अलावा जो पाली है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो पाली दोस्तों बांडी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है पाली, तो पाली बांडी नदी के किनारे स्थित है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। पाली वाले ब्राह्मणों के कारण ये पाली कहलाया था, पाली जो है किसके कारण पाली कहलाया, तो पाली वाले ब्राह्मणों के कारण दोस्तों पाली कहलाया, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। पाली के अंदर एक जगह है फालना, देखिएगा जो फालना अभी हमने देखा था, एक तो जगह है फालना, एक है सोजत, देखिएगा पाली के अंदर फालना और सोजत के बारे में देखते हैं।
फालना के फैलने वाले छाते प्रसिद्ध हैं तो सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है तो फालना के फैलने वाले छाते प्रसिद्ध हैं। ये प्रमुख आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो फालना की क्या प्रसिद्ध है, छाते प्रसिद्ध है। इसके अलावा सोजत की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना दोस्तों पाली के अंदर एक युद्ध हुआ था लाखा जवर का युद्ध। दोस्तों लाखा जवर का युद्ध हुआ था पाली के अंदर, लाखा जवर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, लाखा जवर का युद्ध हुआ था 1273 के अंदर। लाखा जवर का युद्ध कब होता है, 1273 में लाखा जवर का युद्ध हुआ था दोस्तों। ये लाखा जवर का युद्ध जो हुआ था ये बिट्टू गांव पाली के अंदर हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था, बिट्टू गांव है दोस्तों, बिट्टू गांव पाली के अंदर है बिट्टू गांव। तो बिट्टू गांव में दोस्तों लाखा जवर का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था दोस्तों, बिट्टू गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, बिट्टू गांव पाली के अंदर दोस्तों लाखा जवर का युद्ध हुआ था, बिट्टू गांव पाली के अंदर लाखा जवर का युद्ध हुआ था। अब आपको ध्यान रखना दोस्तों, बिट्टू गांव जो है, बिट्टू गांव पाली के अंदर है, बिट्टू गांव में दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था लाखा जवर का युद्ध, ये किस किसके मध्य हुआ था, तो ये राव सिया और मेहर जाति के बीच हुआ था। राव सिया जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक हैं, राव सिया वे मेहर जाति के बीच दोस्तों ये लाखा जवर का युद्ध हुआ था। इसमें लाखों ब्राह्मण जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, लाखों ब्राह्मण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लाखा जवर के युद्ध में। और लाखा जवर के या बिट्टू गांव पाली के अंदर दोस्तों राव सिया का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। तो राव सिया का जो स्मारक है वो कहां बना हुआ है, तो राव सिया का स्मारक बना हुआ है दोस्तों बिट्टू गांव पाली के अंदर। आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपको प्रमुख ध्यान रखना है कि राव सिया का स्मारक है। इसके अलावा यहाँ पर सफेद झनवा जो सफेद चूड़ियों के ढेर के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ राव सिया का स्मारक बिट्टू गांव पाली के अंदर है। इसके अलावा आपको और कुछ फैक्ट जो है वो ध्यान रखना पाली से संबंधित। देखिएगा पाली जो है बांडी नदी के किनारे स्थित है, ये तो समझ में आ गया। पाली में आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एक है जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जवाई बांध कहाँ स्थित है, तो जवाई बांध है दोस्तों, जवाई बांध दोस्तों पाली के अंदर स्थित है। जवाई बांध कहाँ स्थित है, तो जवाई बांध दोस्तों सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है। सुमेरपुर पाली के अंदर दोस्तों जवाई बांध स्थित है। अब जवाई बांध से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा कि जवाई बांध इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था। महाराजा उमेद सिंह ने जवाई बांध का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो 1246 आपको ध्यान रखना है, 1246 ईस्वी में दोस्तों जवाई बांध का निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। आपको ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर या मान सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट है जो अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों पाली की यदि और मैं बात करता हूं, पाली जिले में और क्या फेमस स्थान है या जगह है, ठीक है, तो पाली के अंदर दोस्तों वैसे गिरी सुमेल का युद्ध भी है। तो गिरी सुमेल के युद्ध से पहले हम एक कुछ चीज और पढ़ने वाले हैं, जवाई बांध हो गया पाली के अंदर। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना, मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। जवाई बांध हो गया, इसके गिरी सुमेल का युद्ध देखिएगा, गिरी सुमेल का युद्ध को वैसे दोस्तों मैं गिरी सुमेल से ही हूँ, तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों 5 जनवरी 1544 में। ध्यान रखना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों ये युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध को हम जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, जैतारण का युद्ध देखिएगा। तो ये युद्ध कब हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, जैतारण का युद्ध, ये हुआ था 5 जनवरी 1544 को। देखिएगा जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1544 को होता दोस्तों। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसे हम जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि गिरी सुमेल का युद्ध ये किस किसके मध्य हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों राव मालदेव और शेर ससुरी की सेना के बीच, ठीक है। इसमें दोस्तों राव मालदेव के दो सेनापति थे जैता और कुप्पा, जो बड़ी वीरता से लड़ते दोस्तों और लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों देखिएगा शेर ससुरी जो है, शेर ससुरी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। तो बिल्कुल ये गिरी सुमेल के युद्ध में कहा गया था, शेर ससुरी ने कहा था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों, जिसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1544 को हुआ था। विश्व में प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है और मैं बताता हूं, पाली जिले में आपको ध्यान रखना है जो पाली जिला है, पाली जिले का देखिएगा शुभंकर क्या है, पाली जिले का शुभंकर वो है तेंदुआ। देखिएगा तेंदुआ जो है पाली जिले का प्रमुख शुभंकर है, तेंदुआ, ठीक है। तेंदुआ पाली जिले का प्रमुख शुभंकर है, जिस प्रकार हमने देखा था गंगानगर का शुभंकर चिंकारा है, ठीक है, बीकानेर का शुभंकर बड़तीतर है, ठीक है, चूरू जिले का काला हिरण है,
ठीक है। इस प्रकार से हमने देखे थे काला काला तित्तर झुंझुनू, झुंझुनू का काला तित्तर है। इसके अलावा जैसलमेर के देखा था गोडावण है, ठीक है। तो ये प्रमुख शुभंकर का मैंने वीडियो डाल रखा है, बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा। शुभंकर जो है वो पाली जिले का वो है तेंदुआ। इसके अलावा दोस्तों पाली जिले की मैं बात करता हूँ परिवहन कोड की, तो पाली का जो परिवहन कोड है, पाली का जो परिवहन कोड है, परिवहन कोड पाली जिले का जो परिवहन कोड है, परिवहन कोड देखिएगा, पाली जिले के जो परिवहन कोड है वो है RJ22। परिवहन कोड क्या है दोस्तों? RJ22 है पाली जिले का परिवहन कोड, RJ22, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रमुख शुभंकर हो गया, परिवहन कोड हो गया, ये प्रमुख फैक्ट जो है पाली जिले से संबंधित है, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों मेरे दिमाग में आ गया, बिल्कुल एक मैं यहां पर करवाने वाला हूं दोस्तों, देखिएगा मैं यहां लिख लेता हूं दोस्तों। माता जी है दोस्तों जिनका नाम है सुगली माता, पाली जिले के अंदर एक माता जी है जिनका नाम है सुगली माता, जो काफी फेमस माता है दोस्तों, सुगली माता, देखिएगा सुगली माता। सुगली माता की यदि मैं बात करता हूं, सुगली माता ये पाली जिले के अंदर है दोस्तों, सुगली माता। देखो दोस्तों, सुगली माता जो है इसे 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। इस माता के 10 तो क्या थे? सिर थे, 10 सिर, 10 सिर थे और 54 हाथ थे, तो इसीलिए इस माता को क्या कहा जाता है? 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी माता है? तो ये सुगली माता है। और सुगली माता कहां है? तो पाली जिले के अंदर, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 10 तो सिर थे और 54 हाथ थे, ये ध्यान रखना सुगली माता। अब आपको पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? तो सुगली माता को ही दोस्तों 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। आप लिखेंगे दोस्तों 1857 की जो क्रांति की देवी है, 1857 की क्रांति की जो देवी है, 1857 की क्रांति की देवी, वो सुगली माता को ही कहा जाता है। आप और भी ध्यान रखना दोस्तों, 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है, और देखो चंपावतों की कुलदेवी है, चंपावतों की, ठाकुर कुशाल सिंह था दोस्तों, पाली जिले से है, तो ठाकुर कुशाल चंपावतों की ये कुलदेवी हैं। ये जो माता है सुगली माता किसकी कुलदेवी है? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावतों की क्या है? कुलदेवी है। तो चंपावतों की ये क्या है दोस्तों? चंपावतों की ये प्रमुख, चंपावतों की क्या है? कुलदेवी है। ये प्रमुख आपको ध्यान रखना दोस्तों पाली जिले से संबंधित। तो इस तरीके से जो मैंने और भी बहुत सारे बढ़ते फैक्ट, लेकिन आपको यहां तक अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहां पर प्रमुख बताया दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, पाली जिले के प्रमुख मेले मंदिर महोत्सव करवाए, फिर दोस्तों यहाँ पर पाली जिले से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं वो करवाए दोस्तों। मैं अच्छे से एक एक को करवा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। 100% BSTC और PTT में यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, राजस्थान पुलिस में भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। मैं पूरे 33 जिले करवाऊंगा अगर आप इसी तरीके से मेरा सपोर्ट बनाए रखते हो तो। बिल्कुल सभी को याद करना है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा, बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं भी कहें कि पूरे जोश और जुनून के साथ आपके साथ आऊं और इस तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट यानी सभी जिलों के करवाता रहूं, ठीक है। तो आज हमारा पाली जिला था दोस्तों, पाली जिले के ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके थैंक यू।